बॉलीवुड में फिल्मों की हलचल अब शुरू हो गई है। हमारे स्टार्स अपने पुराने प्रोजेक्ट को फिनिश करने में लगे हुए हैं। आप भी नवरात्र की धूम में जरूर शामिल हुए होंगे, लेकिन फेस्टिव सीजन तो अभी शुरू हुआ है। नमस्कार, मैं हूँ खुशबू राय और स्वागत है आपका गॉसिप, ग्लैमर और पेज थ्री की दुनिया में। भोली पंजाबन बनकर दर्शकों को अपने एक्टिंग का लोहा मनवाने वाली इस एक्ट्रेस ने तो आजकल OTT प्लेटफॉर्म पर धूम मचा रखा है। प्राइम वीडियोस का सेक्शन 375 हो या फिर नेटफ्लिक्स का मैडम चीफ मिनिस्टर, भोली पंजाबन को दर्शकों ने हमेशा उनकी एक्टिंग के लिए सराहा है। एक बार फिर भोली को एयरपोर्ट पर देखने के बाद फैंस के लिए एक नया गुड न्यूज़ जैसा दिख रहा है। टाउन के सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट पर स्पॉट करना तो लाजमी है। सेलिब्रिटीज को शूट पर जाना हो, टूर पर जाना हो या फिर अपने घर की ओर रुख करना हो, सेलिब्रिटीज एयरपोर्ट ही पहुंचते हैं। बॉलीवुड में सपोर्टिंग एक्टर के रूप में एंट्री करने वाली और फुकरे मूवी से अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस रीचा चड्ढा को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। पिंक कलर के फ्लोरल मिनी ड्रेस के साथ ब्लैक एंड ब्राउन कलर के म्यूज में रीचा चड्ढा किधर को चली, ये तो पता नहीं है भाई, पर जिस अंदाज में चली वो एक स्टाइल स्टेटमेंट जरूर पेश कर रहा है। कपूर खानदान के ये चिराग शुरुआत से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से चर्चा में रहे हैं। रॉकस्टार, ये जवानी है दीवानी, बर्फी, संजू जैसे कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद एक्टर हमेशा इस अंदाज में यही कहते दिखते हैं कि बचना ए हसीनो लो मैं आ गया। करोड़ों हसीनाओं के दिल पर राज करने वाले हर थ्रोब रणबीर कपूर कहीं भी जाए, कभी भी जाए और कैसे भी जाए, चर्चा में आ ही जाते हैं। एक बार फिर रणबीर कपूर को जैकी बंगनानी के घर के बाहर स्पॉट किया गया। अपनी ब्लैक कलर की मर्सिडीज में जैकी के घर पहुंचे रणबीर ने ब्लू कलर का चेक्ड शर्ट पहना था। कैमरे को देखकर रणबीर ने वेव किया और विक्ट्री साइन भी दिखाया। यहाँ वो क्यों पहुंचे थे इसकी जानकारी तो हमें है नहीं, पर जिस अंदाज में पहुंचे थे वो काफी अट्रैक्टिव था। अपनी भोली सी एक्टिंग से सबको हंसाने वाले गधा प्रसाद सभी के फेवरेट कॉमेडियन में से एक है। चिड़ियाघर से फेम कमाने वाले गधा प्रसाद ने हमें अपनी सीरियल में तो हंसाया ही है, पर अब वो हमें अपने फिल्म से भी गुदगुदा रहे हैं। देखिए फिल्म उर्फ घंटा को लेकर क्या कहना है गधा प्रसाद का। आयुष सक्सेना की डायरेक्ट की हुई फिल्म उर्फ घंटा को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। 26 सितंबर को रिलीज हुई इस मूवी में आपके और हमारे फेवरेट गधा प्रसाद यानी कि जीतू शिवहरे के इस मूवी में क्या कुछ है, ये आप उनके मुंह से ही सुन लीजिए। मुझे पूरा यकीन था कि इस फिल्म को बहुत अच्छे रिव्यूज मिलने वाले हैं, क्योंकि बड़ी सादगी है पिक्चर में। दूसरी बात, ऐसे किरदार भले हमारे घर में ना हो लेकिन आसपास एक ना एक किरदार मिलता है और बहुत जल्दी लोग उससे हो जाते हैं रिलेटेड, क्योंकि ऐसे किरदार इतने मासूम इतने होते हैं कि हर एक रिश्तेदारों के मोहल्ले के आपस में चहेते होते हैं, क्योंकि ऐसे किरदार
मोहल्ले में एक ही होता है, तो सारे लोग उस एक से जुड़ाव करते हैं, क्योंकि फैमिली में कोई है नहीं। बैचलर और 40 प्लस का बैचलर तो अक्सर मतलब बहुत लोगों का प्यारा रहता है। बता दें कि उर्फ घंटा एक 40 वर्षीय कुवारे व्यक्ति की कहानी है जो अपने लिए दुल्हन खोजने की कोशिश करता है। उनके शुभचिंतक और उनके सबसे अच्छे दोस्त भी उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, पर सब बेकार ही दिखता है। मैं काफी टाइम तक रहा बैचलर, और एक वक्त ऐसा आ गया था कि मतलब अभी घर वालों का था प्रेशर शादी करो, और समस्या ये थी कि भाई कोई लड़की मुझे पसंद नहीं करती थी। अब रही बात अब शादी करनी थी, लेकिन अब हम उस समाज से हैं कि यहाँ पर हम लोग अदर कास्ट लव मैरिज तो हम तो कर रहे हैं, लेकिन घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो अब पूरे घर को खुश करने के लिए हम प्रयास कर रहे थे भाई करने के लिए। तो ऐसे वक्त में ना काफ़ी ऐसे लोग आया करते थे मेरे पिताजी के पास भी कि अरे भाई आपके उनकी लड़की देखी देखी चाहे देख के आते हैं। तो मेरे डैडी तुरंत गाड़ी उठाई और जल्दी देखने के लिए, तो वहाँ जाकर मालूम पड़ा कि वो लड़की देखने नहीं आया था, वो अपने किसी काम से आया था। तो मेरे पापा से गाड़ी मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी तो उनको साथ में ले आया। इस स्टोरी को बहुत ही सादगी और बहुत सारे कॉमेडी के साथ फिल्माया गया है जो दर्शकों को काफी पसंद आ रही है। ठंड का जरा जरा सा एहसास होने लगा है और मौसम स्टाइल और ग्लैमर का दिखने लगा है। ऐसे में बॉलीवुड में ग्लैमर का तड़का अब पूरे शबाब पर नजर आएगा। मैं आपको इन सभी खबरों से अपडेट रखूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।